Ladies and gentlemen. हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप पैटर्न को अनलॉक कर सकते हैं बिना डेटा खोए, यानी बिना विदाउट डेटा लॉस के। तो ये बहुत ही अच्छी वीडियो है, आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इसके ऊपर मैंने दो वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, एक रूट के लिए एक नॉन रूट के लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये सेकेंड मेथड है जो रूट का यूज़ करके हम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपके फ़ोन में आपका फ़ोन रूटेड होना चाहिए और कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होनी चाहिए। दोनों वीडियो मैंने बना के रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देखकर आप सीख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। और तीसरी चीज़ जो है वो है कि आपको एक फ़ाइल डाउनलोड करनी है, मैंने फाइल मैनेजर में उसे डाउनलोड करके रखा है एसडी कार्ड में। तो आपको अरोमा फाइल मैनेजर जिप, ये फाइल देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो इसे डाउनलोड करनी है और आपके मेमोरी कार्ड में रखनी है। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप अभी आपको मैं बता दूं कि समझिए हमारा फ़ोन अभी लॉक हो चुका है, यानी हमारा पैटर्न जो है लॉक हो चुका है और ओपन नहीं हो रहा है। तो इसे हम ओपन कैसे करेंगे, तो ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना है, कम्प्लीटली स्विच ऑफ कर देना है और वाइब्रेट होने तक वेट करना है। और इसके बाद आपको रिकवरी मोड पे जाना होता है। तो हर फ़ोन का रिकवरी मोड अलग होता है, आप गूगल पे डालकर सर्च कर सकते हैं कि आपके फ़ोन का रिकवरी मोड कैसे है। तो मैं सैमसंग यूज़ कर रहा हूँ, तो सैमसंग का रिकवरी मोड मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम अप, होम बटन एंड पावर बटन, ये तीनों को एक साथ प्रेस करके आपको रखना है। तो आपको जब सैमसंग का लोगो दिख जाए तो इसे छोड़ देना है, तो आप रिकवरी मोड पे जो है वो आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कस्टम रिकवरी इंस्टॉल की है। तो अगर आप नहीं जानते कि कैसे इंस्टॉल करते हैं तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देखकर सीख सकते हैं। सबसे पहले इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फाइंड करना है आपके अरोमा फाइल मैनेजर वाली फ़ाइल। तो मैंने उसे एसडी कार्ड में रखा है, तो वहाँ पर मैं देखता हूँ, और मैंने किसी भी फोल्डर में नहीं रखा है, सीधे नीचे रख दिया है उसे। तो मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाता हूँ, देखिए आप यहाँ पर लास्ट में देख सकते हैं अरोमा फाइल मैनेजर, उसे क्लिक करते हैं ये लोड हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइल जो है वो लोड हो चुकी है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन है जहाँ पर बॉक्सेस है, उसको टिक नहीं करना है, डायरेक्ट आपको स्वाइप कर देना है। तो इस तरह से अपना प्रोसेस लेगा। तो आप देखिए, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फाइल मैनेजर जैसा ओपन हो गया है। तो ये अरोमा फाइल मैनेजर है। तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाइए। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है, उसे टिक करके डन कर देना है। उसके बाद आपको जाना है डेटा में और जाना है सिस्टम फोल्डर में। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइंड करना है कॉम डॉट गेट कीपर पैटर्न की, गेट कीपर पैटर्न की ढूंढना है। अगर आपने पैटर्न रखी है तो पैटर्न की, पासवर्ड रखा है तो पासवर्ड की, और पिन रखा है तो पिन की। तो मैंने पैटर्न रखे तो प्रेस करके रखी है उस पर। उसके बाद यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है और ओके कर दीजिए, तो ये डिलीट हो जाएगा। तो अब इसे हम एग्ज़िट कर देते हैं, हमारा काम हो चुका है, तो इसे एग्ज़िट कर देते हैं। इसके बाद यस कर दीजिए, तो फिर यहाँ पर आप स्वाइप कर दीजिए इसे अनलॉक करने के लिए, देखिए ये अनलॉक हो गया। इसके बाद रिबूट सिस्टम पर क्लिक कर दीजिए, आपका फ़ोन जो है वो रिस्टार्ट हो जाएगा और आपका पैटर्न लॉक जो है वो हट जाएगा। चलिए इसे ऑन होने देते हैं। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है दोस्तों, सारी की सारी डाउनलोड लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, रिलेटेड वीडियोस भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन जो है ऑन हो चुका है, इसे ओपन कर लेते हैं, देखिए पैक लॉक हमारा हट चुका है विदाउट डेटा खोए, हमारा कोई भी डेटा लॉस नहीं हुआ है। तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि देख सकते हैं आप यहाँ पर लॉक जो है हट चुका है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है महेश टेक्निकल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।